फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में व्यू साइड बाय साइड में। ठीक है, अगर हमें कोई दो फाइल हमें देखनी है, साइड बाय साइड व्यूज करनी है उसको देखनी हमें, तो हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। अगर एक साथ दोनों पे स्क्रॉलिंग करनी है हमें, जैसे स्क्रॉलिंग करें तो दोनों मूव हमारे फाइल हो, तो वो सब कैसे यूज़ करेंगे वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने फाइल एक ओपन कर रखी है, हमने दो फाइलें ओपन करके रखी है। फर्स्ट हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप और सेकेंड हमारी है यहाँ पे 5858 करके है। आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल ले सकते हैं अपनी। ठीक है, हमने यहाँ पे दो फाइलें ओपन करके रखी है। अब हम चाहते हैं दोनों फाइलें को हम व्यू करना चाहते हैं साइड बाय साइड। अब ये डिपेंड करता है कि आप हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड देखना चाहते हैं या वर्टिकल आप देखना चाहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने साइड बाय साइड यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये हमारी दोनों फाइलें व्यू हो रही हैं साइड बाय साइड। देखिए यहाँ पे क्लिक हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये दोनों फाइलें हमारी कैसे दिख रही हैं, हॉरिजेंटल हम देख रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजेंटली शो हो रही हैं। फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड ये है, दोनों फाइल को हम एक यहाँ पे देख पा रहे हैं एक साथ में। ओके, ये हमने व्यू कर लिया। बट अगर हम चाहते हैं ये हमारी मतलब हॉरिजेंटल ना शो करके हमारी वर्टिकल ये शो करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं पिछले वीडियो बता चुकी हूँ, न्यू विंडो अरेंज ऑल करके यहाँ पे वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, अरेंज ऑल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटली यहाँ पे टिक है, इस पर हॉरिजेंटल को हटा करके हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और देन कर देंगे ओके। तो देखिए हमारी जो फाइल शो कर रही है वो कैसी शो कर रही है, वर्टिकल साइड बाय साइड शो हो रही है। ठीक है, ये आपकी हो गई है फाइल, आपकी व्यू साइड बाय साइड शो कर रही है। आप देखिए स्क्रॉलिंग, देखिए हम किसी भी फाइल पे, एक पे हम कर रहे हैं तो देखिए स्क्रॉलिंग हमारी जो दोनों फाइलें हैं दोनों यहाँ पे मूव हो रही है, स्क्रॉलिंग दोनों पे वर्क कर रहा है। ठीक है, बट हम चाहते हैं एक फाइल को हम सिर्फ यहाँ पे इसको स्क्रॉलिंग करें तो एक ही फाइल हमारे यहाँ पे अप डाउन हो, मूव हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारा यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर ये आपका टिक है यहाँ पे, देखिए हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, क्लिक है, तो इसका मतलब है कि दोनों फाइलों पे हमारी स्क्रॉलिंग यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, बट आप चाहते हैं कोई एक हमारी फाइल यहाँ पे शो हो, मूव करे यहाँ पे स्क्रॉलिंग उस पर वर्क हो, तो क्या करेंगे, इस सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे जाकर के इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जिस फाइल पे हम इसको ये कर रहे हैं, रोट कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही फाइल हमारी यहाँ पे मूव हो रही है। ठीक है, अब इस पर सेकेंड पे हम क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे तो देखिए ये हमारी यहाँ पे मूव हो रही है। ओके, बट आप चाहते हैं दोनों फाइलें एक साथ हमारी हो, तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे जाकर के इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारी दोनों फाइलों पे स्क्रॉलिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा थर्ड ऑप्शन दिया है रिसेट विंडो पोजिशन। हम चाहते हैं कि ये जो विंडो हमारी शो कर रही है फर्स्ट देन सेकेंड यहाँ पे शो कर रही है, चाहते हैं कि ये जो फाइल हमारी है यहाँ पे डेस्कटॉप नाम की, ये हमारी यहाँ पे शो करे, नेक्स्ट जो हमारी ये फाइल है हमारी 5858 है ये हमारी इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, जो हमारी डेस्कटॉप की जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारी राइट में आ जाए और जो राइट साइड में फाइल है वो हमारी लेफ्ट में यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रिसेट विंडो पोजिशन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, हमारा हॉरिजेंटली शो कर रहा है। ठीक है, वापस देखिए क्लिक करके आपको दिखाते हैं, देखिए जो नेम लास्ट नेम एड्रेस ये फाइल हमारी ऊपर है और डेस्कटॉप नाम की जो फाइल हमारी है वो नीचे शो कर रही है। हम रिसेट विंडो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे अरेंज ऑल पे, वर्टिकल कर देंगे यहाँ पे, देन ओके। अब देखिए ये फाइल हमारी यहाँ पे शो कर रही है, 5858 वाली हमारी यहाँ पे शो कर रही है। कोई हम दूसरी फाइल यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है, ये देखिए हमारी यहाँ पे फाइल है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये जो फाइल हमारी है यहाँ से व्यू साइड बाय साइड कर देंगे, अब ये फाइल इधर हमारी शिफ्ट हो जाए, डेस्कटॉप वाली हमारी इधर शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसेट विंडो पोजीशन। देखिए यहाँ पे ये हमारी पोजीशन यहाँ पे क्लिक हो जा रही है,
ठीक है, पोजीशन आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप वाली फाइल हमारी ऊपर आ गई है और यहाँ पे जो हमारी कंसोलिडेट नाम की जो फाइल है वो हमारी यहाँ पे नीचे शो कर रही है। ठीक है, वापस देखिए यहाँ पे रिसेट विंडो करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी फाइल पे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा रिसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप फाइल को यहाँ पे रिसेट करके देख सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप ये फाइल चाहते हमारी इधर रहे, ये फाइल यहाँ पे रहे, शिफ्ट हो जाए, आप ये हमारी जो कंसोलिडेट वाली है जो नीचे आ जाए और डेस्कटॉप की जो फाइल हमारी ऊपर शो करे, तो वापस आप जाएंगे क्लिक करेंगे फाइल पर और यहाँ पे रिसेट विंडो क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे आप व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और आपका यहाँ पे दिया हुआ है हमारा चेंज विंडो पोजीशन। ठीक है, वो आप यहाँ पे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।